देख रहे हैं भारत। आज हम पानीपत ग्रामीण में मौजूद हैं, जहां हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी विजय जैन मौजूद है। देख सकते हैं आप किस तरीके से रोड शो है इनका, और साथ ही इनके साथ कार्यकर्ताओं का भी हुजूम दिख रहा है हमें। साथ ही हम आपको बता दें कि हम इस वक्त पानीपत ग्रामीण में मौजूद हैं, जहां हम पहुंचे हैं निर्दलीय प्रत्याशी जो कि यहां से विजय जैन जी हैं। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते होंगे, देखिए कार्यकर्ताओं का हुजूम है, आज इनका रोड शो निकला है। देख सकते होंगे आप जो तमाम कार्यकर्ता हैं और जो इनके तमाम साथी हैं वो उनके साथ अभी मौजूद हैं, और जो चुनाव चिन्ह है इनका वो सेब है। तो देखिए विजय जैन जी हमारे साथ मौजूद है, यहाँ के निर्दलीय प्रत्याशी। विजय जैन जी, क्या लगता है, न बीजेपी न कांग्रेस इस बार जनता निर्दलीय प्रत्याशी को चुनेगी? बिल्कुल बिल्कुल चुनेगी। मेरे ऊपर 36 बिरादरी का आशीर्वाद है, 36 बिरादरी ने मुझे चुन के मुझे आशीर्वाद दिया, मेरा नामांकन कराया और मेरा चुनाव ये 36 बिरादरी लड़ रही है। जी जी जी, देखिए जिस तरीके से हरियाणा में एक बहुत बड़ी समस्या है वो है बेरोजगारी युवाओं के लिए, किसानों के लिए, तो वो क्या कुछ होगा इस बार अगर आप चुनाव जीतते हैं तो यहाँ की जनता के लिए? देखिए युवा हमारे प्रदेश को छोड़ के विदेशों में जा रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या है। सरकार ने वादा किया था कि हम नौकरियां देंगे, सरकार ने नौकरियां नहीं दी। हमारा लक्ष्य होगा युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिले। देखिए तो यही कहना है इनका कि युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस, कांग्रेस का भी हम इस बार कह सकते हैं कि कांग्रेस अलग तरीके से उभर के आई है, क्या लगता है आपके विधानसभा में जनता ने माहौल बना लिया है? बिल्कुल बिल्कुल, जनता का माहौल, जनता ने ठान लिया कि अब की बार अपने बेटे अपने भाई विजय जैन को लेके आना है, और वो उन जनता को उम्मीद है अपने बेटे अपने भाई से कि वो विधानसभा में जाकर के उनकी आवाज उठाएंगे। अगर मैं यहाँ की महिलाओं और बेटियों की बात करूँ तो किस तरीके से अगर आप चुनाव जीतते हैं तो पानीपत ग्रामीण विधानसभा की जो महिलाएं और बेटियां हैं उनके लिए क्या कुछ होगा? देखिए मेरा सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पे ध्यान रहेगा। शिक्षा भी जरूरी है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप सिविल हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर नहीं है, उपकरण नहीं है, और स्वास्थ्य में किस तरह से हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, हर रोज रेप हो रहा है, उसमें हम सुरक्षा पे ध्यान देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।